ये देख रहे हैं कि पहले इतना टूरिस्ट नहीं आता था बाबूजी, अब देख रहा हूँ कि टूरिस्ट बहुत आ रहा है, जिससे जिससे 2 रुपए हम लोग कमा रहे हैं। हम लोग बीमार हो जाते हैं, जाते हैं दवाइयाँ वहीं मिल रहा है। अच्छा हाँ, ये मैं सच बोल रहा हूँ, कोई वो नहीं देख रहा, जो जो मैं देख रहा हूँ, जो मेरे साथ बीत रहा मैं कर रहा हूँ, वो ऐसा वैसा उसको मैं बता रहा हूँ। इतना पसंद कर रहे हैं बीजेपी को, इसलिए पसंद कर रहे हैं सर कि देश हित को चलाने वाला, देश में चलाने वाला कोई ऐसा कोई और सरकार हमको दिखता नहीं। तो अखिलेश भैया के बारे में आपकी क्या विचार? अखिलेश भैया की भी सोच बहुत बढ़िया थी, बहुत अच्छे थे, कार्य करने की क्षमता, लेकिन सब जगह वो अकेला व्यक्ति नहीं देख सकता था। इससे पहले जैसे अखिलेश जी की सरकार थी, तो और योगी जी की सरकार में आप क्या बदलाव देख रहे हैं? बदलाव ये देख रहे हैं कि पहले इतना टूरिस्ट नहीं आता था बाबूजी, अब देख रहा हूँ कि टूरिस्ट बहुत आ रहा है, जिससे जिससे 2 रुपए हम लोग कमा रहे हैं। अच्छा। ये बदलाव दिख रहा है कि टूरिस्ट बहुत आ रहा है। अच्छा। यूपी में। अच्छा। जी टूरिस्ट बहुत आ रहे हैं जी, इसका श्रेय किसको देंगे? इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी को देंगे सर। प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों को आपको क्या लगता है, कार्य और करते हैं? कार्यों को देश हित में कार्य कर रहे हैं और देश हित में काम कर रहे हैं और देश में रहने वालों लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। जी सर, आप किन कामों को आप पसंद कर रहे हैं? पसंद ये कर रहे हैं कि जैसे लॉकडाउन लग गया सर, तो देखिए राशन दिया सबको, हमको हमने भी लिया राशन, अभी तक ले रहा है, अभी भी ले रहा है, अभी भी ले रहा सर, योगी सरकार की देन है, अभी भी दे रहा, फ्री दे रहा है सर, ये सब तो हम लोगों गरीबों के लिए तो अच्छी बात है ना सर। क्या क्या सुविधाएं आपको मिली सर? देखिए एक तो राशन निःशुल्क मिला है, उसके अलावा मेडिकल जो है सारी सुविधाएं निःशुल्क मिला है। अच्छा। और मेडिकल सुविधाएं बढ़ ही रही है दिनों दिन जो है इस सरकार में, उसमें किसी प्रकार को नहीं। दवाइयां देखिए कहीं भी चले, पहले जो है मिलती नहीं थी, हॉस्पिटल में लिख दिया जाता था बाहर, अब देखिए सारी दवाइयाँ अच्छी अच्छी है, नंबर अच्छे अच्छे कंपनियों की दवा सब वहीं मिल रहा है सर। अच्छा। हाँ, हम लोग बीमार हो जाते हैं दवाइयाँ वहीं मिल रहा है। अच्छा। हाँ, ये मैं सच बोल रहा हूँ। अच्छा। कोई वो नहीं देख रहा, जो जो मैं देख रहा हूँ, जो मेरे साथ बीत रहा मैं कर रहा हूँ, वो ऐसा वैसा उसको मैं बता रहा हूँ, किसी का पक्षपात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, प्रयागराज से हैं, प्रयागराज में भी जो घटनाएँ हुई हैं, अतीक अहमद का और अशरफ का मर्डर हुआ है, उनके लड़कियों का एनकाउंटर हुआ है, इसके बारे में आप क्या? इसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है सर, जो है कैसे हुआ क्या हुआ तो इसके विषय में हम क्या बोले सर, पता ही नहीं। हाँ अच्छा, कितना खौफ रहता था इन? देखिए सर, जो है हम लोगों तो कोई मतलब उस तरह का हमारा कोई बिजनेस व्यवसाय तो है नहीं, तो इस बारे में हम क्या बता सकता है कि हमारे साथ क्या अड़ंगा लगता था, तो ऐसा कुछ है नहीं मेरे साथ, हमारे साथ तो ऐसा कुछ था नहीं, हम लोगों के लिए तो हमारे लिए तो सब सामान्य थे। इससे पहले क्या करते थे आप? इसके पहले मैं प्राइवेट ऐसे कार्य कर लेता था इधर उधर, नहीं कहीं बाहर भी कर लेता था जाके, अन्य प्रांतों में भी। तो कहाँ? अच्छा, प्रॉपर आपका घर है कहाँ? घर यहीं प्रयागराज ही है प्रॉपर। प्रयागराज में पिछले 7 साल से 6 साल से आप यहाँ पर कार्य कैसा हुआ है? कार्य देखिए सर ठीक हुआ है, अभी जो है अभी जो मेन प्रॉब्लम है उसको मैं बता रहा हूँ। देखिए टूरिस्ट इतना आते हैं, जैसे स्टेशन जाने का रोड हुआ, छौकी स्टेशन जाइए आप, मुड़िए जो है जहाँ छौकी स्टेशन का टर्निंग करता है, आगे जाके एक बहुत बड़ा गड्ढा है, वो सही हो जाए, और इधर से जाने का रामबाग स्टेशन से लगा के जो है प्रयागराज जंक्शन तक की रोडें ख़राब है, ये सब रोडें सही हो जाए, चूँकि टूरिस्टों को ले आना गाड़ियों के बैटरी रिक्शा वालों को बहुत दिक्कत होती है, रोड सही हो जाए। आप काहे बीजेपी को इतना पसंद कर रहे हैं? बीजेपी को इसलिए पसंद कर रहे हैं सर कि देश हित को चलाने वाला, देश में चलाने वाला कोई ऐसा कोई और सरकार हमको दिखता नहीं, तो कोई ऐसा आदमी दिखता नहीं, पार्टी है वो कोई पार्टी ही नहीं दिखती है। अच्छा। इस समय कोई ऑप्शन से ही नहीं है। अच्छा। मोदी के अलावा, यो भाजपा के अलावा। अखिलेश भैया के बारे में आपकी क्या विचार? अखिलेश भैया की भी सोच बहुत बढ़िया थी, बहुत अच्छे थे, कार्य करने की क्षमता, लेकिन ये है कि सब जगह वो अकेला व्यक्ति नहीं देख सकता था, वही कमी रही। महंगाई पे आप क्या कहेंगे? महंगाई पे ये है कि महंगाई तो सब कुछ हुआ है, देखिए महंगाई पे जाएंगे आप तो जो है किसान भी तो अपना सामान महंगा बेच रहा, तो स्वाभाविक है अगले से भी महंगा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।